एक्सेल की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेल का एक्स लुकअप फॉर्मूला। तो एक्सेल का एक्स लुकअप फॉर्मूला, एक्सेल में जितने भी लुकअप होते हैं जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, इंडेक्स मैच, ओके, इन सभी का काम एक्स लुकअप अकेले करता है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक लुकअप वैल्यू है 104 और मुझे इस लुकअप वैल्यू का फाइंड करना है नेम या एड्रेस। तो पहले तो रिजल्ट को अचीव करने के लिए मैं लगाऊंगा वी लुकअप। तो वी लुकअप इक्वल वी लुकअप लेंगे आप, देन पास करेंगे लुकअप वैल्यू, ओके ओके। उसके बाद में टेबल एरे को करेंगे सिलेक्ट, मतलब जिस एरे में से रिजल्ट लेके आना है, ये पूरी एरे ले लेंगे आप, ओके, देन कॉमा कॉलम इंडेक्स, ओके। जो भी रिजल्ट आपको लेके आना है वो रिजल्ट इस टेबल एरे में, ओके, कौन से कॉलम पे हैं, ओके, इसमें जैसे कि ये कॉलम वन हो गया, ये कॉलम टू हो गया, ये कॉलम थ्री, ये कॉलम फोर, मुझे कॉलम टू से लेके आना है रिजल्ट। तो यहाँ पर टू लिखूंगा, टू मतलब नेम, थ्री मतलब एड्रेस और चार मतलब मोबाइल नंबर, कॉमा जीरो, जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच, ओके। जैसे कि 104 अगर इस लुकअप वैल्यू इस टेबल में फाइंड हो जाती है तो उसका नाम दिखाए, अदरवाइज में आए एरर, एन एरर, ओके। तो ये काम हमने कर लिया वी लुकअप से, और इसी को मुझे करना हो एक्स लुकअप से। तो उसके लिए इक्वल एक्स लुकअप लेंगे आप, देन ये पूरी लुकअप वैल्यू को करेंगे सिलेक्ट, देन अब लुकअप वैल्यू को सर्च करेंगे कि ये जो लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू इस कॉलम में है या नहीं, ओके। मान लीजिए ये लुकअप वैल्यू इसमें मिल जाती है, ओके, अगर ये लुकअप वैल्यू इस कॉलम में मिल जाती है तो हमें दे देगा वो, ओके, इस टेबल से नाम, क्या दे देगा, नाम, ओके, किसके रिगार्डिंग, इस लुकअप वैल्यू के रिगार्डिंग। लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास में 104, तो 104 के रिगार्डिंग क्या है, रोहित, वो रोहित दे देगा। कब देगा, जब ये 104 हमारा, 104 हमारा ये इसमें मिल जाएगा, ओके, अगर नहीं मिलेगा तो एन एरर आएगा, क्लियर। तो आगे देखते हैं रिवर्स वी लुकअप। तो रिवर्स वी लुकअप एक बार अप्लाई करते हैं वी लुकअप। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा आपको कि वी लुकअप में रिवर्स वी लुकअप का कोई भी फीचर नहीं होता, क्योंकि वी लुकअप कभी भी रिवर्स मतलब बैक साइड में कभी काम ही नहीं करता। जैसे कि वी लुकअप लगाया मैंने और ये लुकअप वैल्यू ले ली मैंने और ये पूरी टेबल आपने कर ली सिलेक्ट, ओके, कोमा मुझे फाइंड करना है नेम, तो नेम हमारा सेकंड कॉलम है, कोमा जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, इस सिचुएशन में आएगा एरर। एरर इसलिए आएगा क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारे पास में मोबाइल नंबर है, क्या है, मोबाइल नंबर। और वी लुकअप का एक ये रूल है, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू इस टेबल एरे में पहला कॉलम आना होना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा एन एरर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज करेंगे एक्स लुकअप, और ये काम वी लुकअप से भी कर सकते हैं, ओके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी लुकअप में कुछ अल्टरनेट फॉर्मूले यूज करने होंगे, जिससे क्या होगा, वी लुकअप की प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो यूज करेंगे एक्स लुकअप, ओके, और लुकअप वैल्यू को करेंगे सिलेक्ट, और देन अब इस लुकअप वैल्यू को सर्च करेंगे, ये लुकअप वैल्यू इस लुकअप कॉलम में है या नहीं, अगर इस कॉलम में मिल जाती है तो मुझे नाम दे देगा, क्या दे देगा, नाम दे देगा,
ओके मान लीजिए मुझे फाइंड करना है एड्रेस, तो इक्वल एक्स लुकअप देन लुकअप वैल्यू देन लुकअप टेबल लेंगे आप, लुकअप कॉलम सॉरी लुकअप कॉलम लेंगे आप, देन अब रिजल्ट कॉलम लेंगे जिसमें से रिजल्ट आपको लेके आना है, रिजल्ट लाना है मुझे अलग एड्रेस लेके आना है, तो ये एड्रेस आ जाएगा आपका। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो काम हमने किया है इसी इस काम को हम इंडेक्स प्लस मैथ से भी कर सकते हैं। ओके इंडेक्स मैथ से क्या होगा, देखो इंडेक्स लेंगे आप पहले, इंडेक्स कॉलम में पहले वो कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में से रिजल्ट आपको लेके आना है। तो मुझे लाना है नाम, तो नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। और आप अगर पुलअप कॉलम नहीं पास करना तो ओनली सिलेक्ट कर लो आप, देन आप लगाएंगे मैच। इक्वल इंडेक्स मैच लुकअप वैल्यू लेंगे आप और कोमा जीरो पास करेंगे। ओके ये ओके रिजल्ट तो इसे भी आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। और इसी काम को हमने इजीली किया है एक्स लुकअप से, क्लियर। तो ये काम हमारा वी लुकअप से भी हो जाएगा, करने को तो वी लुकअप से भी कर देंगे हम। ओके वी लुकअप विद चूज लगा के कर देंगे और इंडेक्स प्लस मैच से भी ये काम हो जाएगा। ओके देन एक्स लुकअप से भी हो जाएगा। ओके इससे होगा ये फास्ट, इससे स्लो हो जाएगा। ओके इसे मीडियम ले लो, क्लियर। तो सबसे बेस्ट हमारा होगा एक्स लुकअप, रिजल्ट भी फास्ट आएगा। अगर डेटा हमारा लाखों में होगा हजारों में होगा तो इजीली और फास्ट रिजल्ट निकल के आएगा अगेन। तो हम पहले अप्लाई करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में एक लुकअप वैल्यू 102 है, मुझे इसका नाम फाइंड करना है और एड्रेस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू लेंगे, पास करेंगे पूरी ये टेबल एरे कोमा टू कोमा जीरो, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। और मैंने यहाँ लिया जी एक्स लुकअप। ओके पहले तो मैंने यहाँ लिखा 103, तो 103 का आ जाएगा, मैंने 109 लिया। ओके अब आएगा यहाँ पर एरर, क्या आएगा एरर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आपको वी लुकअप में यूज़ करना होगा इफ़ एरर। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इक्वल इफ़ एरर देन वी लुकअप कोमा टू कोमा जीरो देन नॉट फाउंड। ओके इसमें क्या होगा, अगर वी लुकअप रिजल्ट फाइंड कर लेता है तो जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट फाइंड नहीं हो पाता तो उसके रिप्लेस में काम करेगा इफ एरर, और इफ एरर प्रिंट करेगा नॉट फाउंड को। थोड़ा सा ये फॉर्मूला बड़ा हो गया। ओके हमने क्या करा है, इसमें वी लुकअप यूज किया प्लस इफ एरर यूज किया। ओके तो ये जो काम हमने किया यहाँ पर, हमने दो फॉर्मूले लगाए, वी लुकअप प्लस इफ एरर लगाया, तो ये भी हमारा बड़ी ही इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग एक्स लुकअप। इक्वल एक्स लुकअप लेंगे आप, लुकअप वैल्यू पास करेंगे देन लुकअप वैल्यू को सर्च करेंगे, अगेन रिजल्ट कॉलम हमें चाहिए मान लीजिए एड्रेस। ओके मान लीजिए अगर ये 109 हमारा 109 अगर हमें इसमें नहीं मिलता तो क्या करेगा, तो नॉट फाउंड देगा, क्या देगा नॉट फाउंड। ओके नॉट फाउंड कब आएगा, जब ये जो लुकअप वैल्यू है ये लुकअप वैल्यू इसमें नहीं मिलती तो क्या आएगा नॉट फाउंड। ओके अगर ये मिल जाती है इसके अंदर तो इस
कॉलम में से अब आपको रिजल्ट ला के देगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ लिखा जी 102। क्लियर 103। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, मेरे पास में एक लुकअप वैल्यू है, हमारे पास में 101। मुझे करना क्या है, मुझे इसका नाम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर फाइंड करना है। तो वी लुकअप से ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो वी लुकअप को आप एरे बना लेंगे और वी लुकअप विथ कॉलम लगा लेंगे या रो लगा लेंगे। ओके तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको ईजिली करने के लिए आप लगाएंगे एक्स लुकअप। तो इक्वल एक्स लुकअप लेंगे आप, देन लुकअप वैल्यू पास करेंगे, देन लुकअप वैल्यू को सर्च करेंगे, लुकअप वैल्यू को ओके अगर मिल जाती है तो क्या देगा, तो ये पूरी टेबल ले लेंगे आप। ओके तो एंटर करते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब आ जाएगा। क्लियर, ये आपको आ गया, देखा देखेंगे आप। अगेन मैं एक बार और लगा के दिखाता हूँ, मैंने 105 लिखा। अब मैं लूँगा ओनली नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, तो इक्वल एक्स लुकअप। ओके क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।